हेलो गाइज, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। गाइज, आप लोगों के सामने मैं आज एक ऐसे मोबाइल की खबर लेके आई हूँ जिसको सुन के आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि एक शख्स ने अपने घर में एक ड्रॉवर ओपन किया और ओपन करके उसको 19 साल पुराना मोबाइल मिला, और जब उसने ऑन करके देखा तब उसकी बैटरी 70% चार्ज थी। तो चलिए जानते हैं ये कहाँ का मामला है और वो फोन कौन सा है जो कि इतने साल के बाद भी उसकी बैटरी 70% तक चार्ज थी। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, क्योंकि अगर आपने भी वो मोबाइल यूज किया हो और आपको क्या एक्सपीरियंस है उसका, आपको कितना अच्छा लगता है वो मोबाइल, कितना अच्छा लगता था, क्या दोबारा से आप वही मोबाइल पाना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। इंग्लैंड की ये खबर है, हमें आ रही है वहां से एक खबर, और एक नाम केविन नाम के एक शख्स ने अपने घर पे सफाई करने के लिए सोचा। तो काफी साल से उसके वो सोच रहा था कि नहीं, मैं घर की सफाई कर लेता हूँ। तब अचानक से वो अपने घर की सफाई करने लगा और कबर्ड्स वगैरह देखने लगा, और कबर्ड्स और उसको काफी सारी पुरानी चीजें मिली, और उसी के साथ उसको एक मोबाइल मिला। तो गाइज, उसी के साथ मैं आपको बोलूं कि आपको याद है नोकिया का पुराना मोबाइल जो कि बहुत स्टार्टिंग में आया था मोबाइल, और फर्स्ट नोकिया कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, और उस मोबाइल का नाम था 3310। आपको पता ही होगा, ब्लू कलर का होता था, बहुत प्यारा होता था वो मोबाइल, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बैटरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और वो ही मोबाइल अब भी अगर हम लोग कैलकुलेशन लगाए तो 19 साल हो गए हैं और अभी वो मार्केट में मिलता नहीं है, उतना स्ट्रांग मोबाइल नहीं मिलते आजकल। जो एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं वो इनबिल्ट बैटरी रहती है और उसमें और काफी सारी ऐसी बैटरीज चली जाती है और सॉफ्टवेयर ऐसी वैसे सब चीजें करने पड़ते, हैंग होते और काफी ज्यादा कॉस्टली भी है। तो उसी तरीके से इस मोबाइल को अगर आपने यूज किया हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं कि उसने जब कबर्ड खोली और कबर्ड खोल के उसको ये मोबाइल मिला 3310, तो उसके बाद उसने ऑन किया, तभी भी उसकी बैटरी 70% चार्ज थी। तो ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, और अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए उसने सोशल मीडिया पे अपनी फोटो के साथ, अपने मोबाइल की फोटो के साथ उसने पोस्ट किया अपने अकाउंट में और लिखा कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना देर हो गया इसको लिए हुए, अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, मुझे याद भी नहीं था कि ये मोबाइल मेरे पास अभी भी है, और पता नहीं मैंने कब इसको लास्ट चार्ज किया था, 19 साल के बाद मैं इसको ओपन करके देख रहा हूं और इसमें 70% बैटरी अभी भी बाकी है। मतलब कि वो कंपनी जब पहले बनाती थी ये सब चीजें तब बहुत ही स्ट्रांग बनाती थी, और जो अभी कंपनी मोबाइल्स वगैरह बना रही है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। आपको एंड्रॉयड मोबाइल के लिए टेम्पर ग्लास लेना पड़ता है, कवर लेना पड़ता है, और उसकी सिक्योरिटी हमेशा ही रखनी पड़ती है, आपको कैमरे की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, आपको टेबल पे नहीं रखना पड़ता, आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं रखना पड़ता। पर वो मोबाइल के बारे में अगर आपको याद हो, अगर आप फेंक के भी मार देते थे तभी भी वो मोबाइल टूटता नहीं था, उसकी बैटरी शायद अलग हो जाती थी और फिर दोबारा से आप उसकी बैटरी को डालते थे और फिर दोबारा से वो नए के जैसा आपके पास चलता था। सही बात है ना, वो चलता था। तो अगर आपने भी वो मोबाइल 3310 नोकिया का आपने यूज किया है तो प्लीज हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, और उसकी बैटरी कैसे चलती थी। अगर आप फिर दोबारा से चाहते हो कि ऐसे मोबाइल्स आने चाहिए, छोटे बेसिक मोबाइल आने चाहिए जिनकी कीमत भी काफी कम थी और अभी भी अगर आएंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।